ये रिश्ता क्या कहलाता है। सो आई एम रीडिंग आउट अ लिस्ट और इसमें जिस किसी का भी नाम होगा दे हैव टू कम ऑन स्टेज। कोई बहाना नहीं चलेगा, स्टेज पे आना ही पड़ेगा। अनुगा, रितिका, नंदनी, तन्वी एंड नायरा। पैनल ऑफ जजेस जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे दैट यू हैव टू आंसर और उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन बनेगा आज का हमारा मिस्टर एंड मिस फ्रेशर। ये ऑल ऑफ अ सडन कैसा प्रोग्राम बन गया मिसेस गोयनका का? इट्स अ सरप्राइज फॉर मिस्टर गोयनका। वो फंक्शन में बिजी है, उनका ध्यान नहीं रहेगा और वो मिसेस गोयनका को देखकर खुश हो जाएंगे। कम ऑन। अब देखना मिसेस नायरा सिंघानिया, तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। हेलो एवरीवन, I'm Naira Singhania. Mrs. Goenka bas pahunchte hi honge. Good preparations. Yeah. Welcome Mrs. Goenka. Please. मैं चाहती हूँ कि मैं ये कोर्स कंप्लीट करके टेंट्रम्स थ्रो कर रही थी ना, मुझे मना किया, अब भागो यहां से मुंह छुपा के आंटी जी। ओह नाउ आई गेट इट, इतना एटीट्यूड क्यों दे रही थी तुझे इंट्रो वाले दिन। भाभी हो या आंटी जी, तुम्हारी तो जूनियर ही है ना, जस्ट शो हर कि सीनियर होना होता क्या है। मुझे नहीं पता था कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैरिड या अनमैरिड होना मैटर करता है। एडमिशन फॉर्म में कहीं नहीं लिखा था कि अपनी शादी की डिटेल्स भरिए, शादी किससे हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे चल रही है। इससे शायद कुछ लोगों को इनफ मसाला नहीं मिला बातें बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। इस तरह सबका टाइम वेस्ट किया। अगर मुझसे सीधा आके पूछ लिया होता तो मैं बता देती।
क्या हुआ? आप लोग इस तरह शॉक क्यों हैं? शादी ही है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, ना कोई क्राइम, ना ही कॉलेज के प्रस्पेक्टस में लिखा है और ना ही कोई देश के कानून में ऐसा लिखा है कि शादीशुदा लोगों को पढ़ने की मनाही है। शादी एक नई जिंदगी की शुरुआत जरूर है, लेकिन पुरानी का डीएन नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि शादी के बाद उसके पहले का सब कुछ खत्म होना जरूरी है, फिर चाहे वो सपने हो या रिश्ते। अगर शादी से पहले किसी ने कुछ करने का या बनने का सपना देखा है तो शादी के बाद उसका टूटना या तोड़ा जाना जरूरी नहीं है, उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी किया, इससे पहले कि कल फिर किसी फंक्शन में कोई नई बात ढूंढ के आप सबका टाइम वेस्ट किया जाए, मैं बता देना चाहती हूँ, जिस तरह शादी का होना कॉलेज एडमिशन के लिए मैटर नहीं करता, कॉलेज एडमिशन के लिए मैटर नहीं करता, उसी तरह उसका ना रहना भी मैटर नहीं करता, उसका ना रहना भी मैटर नहीं करता। नारा की बातों से ऐसा लगता है जैसे उसकी शादी टूट चुकी है। हाँ यार, ये सबको देखकर तो यही लग रहा है कि ये मूव ऑन कर चुकी है। तुम्हारे लिए शादी ओवर हो चुकी है, कुछ मायने नहीं रखती ना ये शादी। मेरी पर्सनल लाइफ का मेरी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जब तक वो मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता। शादी का होना या उसका ना रहना मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो वो मेरा सपना, कि मैं अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ और उसका मुझे पूरा हक है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको, गर्ल्स बॉयज, आंटी जी, भाभी जी, मिस मिसेस, सबको। शादी का होना कॉलेज एडमिशन के लिए मैटर नहीं करता, कॉलेज एडमिशन के लिए मैटर नहीं करता, उसी तरह उसका ना रहना भी मैटर नहीं करता, उसका ना रहना भी मैटर नहीं करता। ये रिश्ता क्या कहलाता है।